अगस्त का महीना शुरू होने के साथ ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। अगस्त के महीने को त्योहारों का सीजन कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत सारे त्योहार पड़ रहे हैं। इस महीने में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने वाला है, इसी महीने में स्वतंत्रता दिवस का त्योहार मनाया जाता है और इसी महीने में जन्माष्टमी का त्योहार भी मन रहा है। सबसे पहले आइए आपको रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में बता देते हैं। इस साल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाई जाएगी या फिर 12 अगस्त को। कुछ का कहना है कि 11 अगस्त को भद्रा का साया पड़ रहा है, तो ऐसे में 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। लेकिन अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन किस दिन मनाई जाएगी। बता दें कि इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है और पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त से शुरू हो रही है। पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 11 अगस्त सुबह 10 बजे से शुरू होगा। वहीं आपको राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएं, ये शुभ मुहूर्त 11 अगस्त की सुबह 10:37 से शुरू होगा और 12 अगस्त की सुबह 7:05 पर खत्म होगा। तो आप इस दौरान कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, लेकिन इस दौरान आप ये ध्यान रखें कि आप भद्रा काल में राखी बिल्कुल भी न बांधें। कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं होता है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को भद्रा शाम 5 से शुरू हो जाएगी और ये रात 8:51 तक रहेगी। तो इस दौरान आप अपने भाई को राखी ना बांधें। इसके अलावा आप 11 अगस्त की सुबह 10:37 से 12 की सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। यूं तो ये भी कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को भी पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है, लेकिन आपको बता दें कि 12 अगस्त की सुबह 7 तक ही पूर्णिमा तिथि है, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए 12 अगस्त की सुबह 7 तक ही आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।